परिमंडल क्रमांक 2 के विशेष पथक को गुप्त जानकारी मिली थी कि शहर में अवैध तरीके से गौण खनिज और रेती की यातायात की जा रही है। जानकारी के आधार पर जोन 2 की टीम ने कार्रवाई कर 3 ट्रक जब्त किए, साथ ही कुल मिलाकर 70 लाख रुपए का मुद्देमाल पुलिस ने जब्त किया। ऐसी जानकारी जोन क्रमांक 2 के DCP विनीता साहू ने दी है। शहर में अवैध तरीके से गौण खनिज और रेत की यातायात की जा रही है। ऐसी गुप्त जानकारी के आधार पर जोन क्रमांक 2 की टीम ने पेटासुर रोड पर चेकिंग शुरू की। इस दौरान मानकापुर में पेटासुर रोड लिबरल लॉन के पास 3 ट्रक किसी भी तरह की रॉयल्टी न लेते हुए रेत, मुरुम गिट्टी आदि गौण खनिज की यातायात करते समय पुलिस ने ट्रक क्रमांक MH31AP1816 चालक सुरेश पिराजी आजादे, पेटासुर निवासी ट्रक क्रमांक MH31CQ1097 प्रणय प्रकाश आतकर निवासी जाफरनगर, ट्रक क्रमांक MH31DS2720 श्रीकांत दिलीप पाटिल फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी ऐसे 3 ट्रक जब्त किए हैं। दिनांक 15/3/2021 को हमारी टीम को ये जानकारी मिली कि मानकापुर की हद में पीटेसुर रोड के पास में कुछ रेती के वाहन बिना रॉयल्टी के जो गौण खनिज है उनकी गैर कायदेशी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद में हमारे टीम ने तुरंत इनके ऊपर रेड किया और वहां से 3 ट्रक इनके ऊपर कार्रवाई की जो कि रेत, गिट्टी और मुरम कैरी कर रहे थे। इनके पास किसी भी प्रकार की रॉयल्टी ना होने की वजह से इनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई की गई है और करीब 70 लाख रुपए का माल इनके पास से हस्तगत किया गया है। अभी फिलहाल इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है, बट इसमें चालकों के साथ ही जो मालिक हैं ट्रक्स के उनको भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने 70 लाख रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। पुलिस इस मामले में आगे की जाँच कर रही है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।